नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश। आप देख रहे हैं गिरीश फेयर्स यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एक वीडियो में मैंने कहा था कि हम इस ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट को बनाएंगे, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम इस ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट को बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, उसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है कुछ इस प्रकार की एक ऑडियो आईसी को। तो फ्रेंड्स इसका जो मॉडल नंबर है वो है 8002। तो फ्रेंड्स इसकी पिन्स आउट आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमको चाहिए एक 10K ओम रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स हमको इस रेजिस्टेंस की दोनों वायर को इस आईसी के पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 के साथ कुछ इस प्रकार से शोल्डर करना होगा। तो चलिए इसे शोल्डर कर लेते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस रेजिस्टेंस को इस आईसी के पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 के साथ शोल्डर कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमको चाहिए एक 104 माइक्रोफेरेट कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स हमको इस कैपेसिटर को इस आईसी के पिन नंबर 4 के साथ कुछ इस प्रकार से शोल्डर करना होगा। तो चलिए इसे शोल्डर कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस आईसी के पिन नंबर 4 के साथ इस कैपेसिटर को शोल्डर कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमको इस आईसी के पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 को एक साथ शोल्डर करना होगा। तो चलिए इसे शोल्डर कर लेते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस आईसी के पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 को एक साथ शोल्डर कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमको चाहिए एक और 104 माइक्रोफेरेट कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स हमको इस कैपेसिटर के एक वायर को इस आईसी के पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 के साथ शोल्डर करना होगा। तो चलिए इसे शोल्डर कर लेते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस कैपेसिटर के एक वायर को इस आईसी के पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 के साथ शोल्डर कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमको इस कैपेसिटर के दूसरे वायर को इस आईसी के पिन नंबर 7 के साथ शोल्डर करना होगा। तो चलिए इसे शोल्डर कर लेते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस कैपेसिटर के दूसरे वायर को इस आईसी के पिन नंबर 7 के साथ शोल्डर कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमको चाहिए कुछ इस प्रकार का एक स्पीकर। तो फ्रेंड्स हमको स्पीकर के दोनों वायर को इस आईसी के पिन नंबर 5 और पिन नंबर 8 के साथ कुछ इस प्रकार से शोल्डर करना होगा। तो चलिए इसे शोल्डर कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद हमको चाहिए कुछ इस प्रकार का एक 3.5 mm ऑडियो जैक। तो फ्रेंड्स हमको इसके लेफ्ट और राइट वाले वायर को एक साथ शोल्डर करना होगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमको इसके लेफ्ट और राइट वाले वायर को इस पहले कैपेसिटर के दूसरे वायर के साथ और इसके ग्राउंड को इस आईसी के पिन नंबर 7 के साथ शोल्डर करना होगा। फ्रेंड्स इसके बाद हमको चाहिए कुछ इस प्रकार का एक बैटरी कनेक्टर। तो फ्रेंड्स हमको इस कनेक्टर के पॉजिटिव को इस आईसी के पिन नंबर 6 के साथ और इसके नेगेटिव को इस आईसी के पिन नंबर 7 के साथ शोल्डर करना होगा। तो चलिए इसे शोल्डर कर लेते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस पूरे सर्किट को इस पीसीबी पर शोल्डर कर लिया है। तो फ्रेंड्स मेरा सजेशन तो यह है कि आप इस पूरे सर्किट को पीसीबी पर ही बनाएं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो फ्रेंड्स उसमें क्या है, शॉर्ट सर्किट होने का चांस ज्यादा है और उसमें आपके ऑडियो आईसी भी खराब हो सकती है। तो चलिए इसे चेक करके देखते हैं। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर करिए इस वीडियो को। और फ्रेंड्स अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।